अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का पहला मौजू है इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। इनमें पान जो आलमी कानून है, आलमी सियासत है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उनके हवाले से पान गाल बोलता से दुनिया की जो मालूम है आलमी कानून से आलमी सियासत ग्लोबल इकोनॉमी है तो चल रहा है पूरी हवाले से दुनिया की शेम है या जी की उनसा लगा कर जी कुछ इदारा है उन जी वाले सामान कचरे करना से हमारे लोग सो शुरुआत के अंदर कहाँ जी फीडबैक हाँ और इन्हें मैं आपको पान या जी स्लाइड्स हैं उन दे कचरे करना से आलमी कानून छा है व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ कहाँ जी बारे में छा था जानू कहाँ थोड़ा पहले फीडबैक दियो उनका आपको पान कचरे के अपने वधाई में का इंटरनेशनल लॉ छा है आलमी कानून छा है उनसा लगा कर जी के एस्पेक्ट्स हैं तो मंगा था सी पर ये तहां बुधायो तो तहां छा था जाए इंटरनेशनल लॉ जवाब आलमी कानून छा है तहां निकल गया रोशन चेक हो सलाम सर वालेकुम सलाम आलमी कानून जो हवा सा तहां बुधायो तो तहां जी केडी अंडरस्टैंडिंग आ तो जी पान के अगया कचरी के अगते बधायो तो तहां कॉन्टेक्स्ट है वो वाले सब क्लियर हो जाए इन तरह के मालूम हो जाए। सिकंदर अली शाह चाहे तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम दादा वेलकम हां तो हम बुलाए सब का तो चलो आलमी कानून जी दुनिया में तमाम घणी अहमियत हूंदी आहे जेके रियासतूं इन कानून मुताबिक हलंदियूं आहिनि त इंटरनेशनली ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनजी काफ़ी अहमियत हूंदी आहे ऐं काफ़ी उन्हनि जो इंफ्लुएंस हूंदो आहे ऐं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पंहिंजो एक्टिव रोल प्ले करे सघंदियूं आहिनि रियासतूं जेके आलमी कानून तहत ऑपरेट कंदियूं आहिनि या उन्हनि जा जेके डिसीशन हूंदा आहिनि आलमी कानून मुताबिक़ हूंदा तव्हां ॾिठो हूंदो जेके आलमी कानून जे उतर रियासतूं कमु कनि थियूं या उन्हनि जा डिसीशन हूंदा आहिनि पोइ उन्हनि खे आलमी तौर ते मुखालफ़ती पाबंदियुनि जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो आहे पर हू इहो डिबेटेबल मामिलो आहे उहो कंहिंजे फ़ाइदे में हूंदो आहे पर बरहाल आलमी कानून आहे छा इन हवाले सां तव्हांजो फीडबैक ज़रूरी आहे तव्हां छा था सम्झो आलमी कानून आलमी कानून छा आहे वॉट इज इंटरनेशनल लॉ चवंदा अॻियां पाण वधूं था नेक्स्ट स्लाइड ते त आलमी कानून छा आहे कहिड़ी अहमियत आहे उन हवाले सां तव्हांखां ॿुधाईंदासीं तव्हां छा था सम्झो आलमी कानून जे हवाले सां तव्हां पंहिंजो फीडबैक ॾियो स्लाइड के थ्रू ॾेई सघो था हिन स्लाइड जे जवाब में ॾेई सघो था छो दुनिया में जेके बि गवर्नमेंट्स हिक ॿिए सां इंटरेक्शन रखंदियूं आहिनि या जेके मुआदा कंदियूं आहिनि उहे कंहिं न कंहिं आलमी कानून सां उहे शयूं लिंक हूंदियूं आहिनि या उनजो लाॻापो हूंदो आहे आलमी कानून सां Let's move on. Time is up. International law is a system of treaties and agreements between nations that governs how nations interact with other nations, citizens of other nations, and businesses of other nations. It establishes
normative guidelines and a common conceptual framework to guide states across a board a range of domains, including war, diplomacy, trade, human rights. International law aims at the practice of stable, consistent and organized international relations. यानी जेके भी आलमी तौर ते रियासत के बीच में या उन्हें जो कल्याण तौर ते पान में जेके मुहायदा चल रहा है आई या जेके डिक्लेरेशन चल रहा है या जो मतलब सारे शेयर जो है जेके कस्टम जो है उन्हें समूरी उन गज्जी करे इंटरनेशनल लॉ के रिप्रेजेंट कर थियो आई उन्हें जो जो मकसद हुआ वो ये हुआ रियासत में एक बे सा एक बे जे शहरन सा globally business je lai mukhtalif jeke international spheres mein je mamla hunda hai unhe je hawale se ki behave kan ki act kan ai unhe jo ki policies vision gurjan ye sari shayun tay thain to international law je mutabik unhe pata ai jeke international relations hain riyasatan je vich mein aalmi idaran je vich mein ye aalmi idaran sa je riyasatan ja jeke decisions hota hai ya political je kam kar jo hai unhe तदहीं नमूने से एक्चुअलाइज थी सकती थी शयूँ इंटरनेशनल रिलेशन तदहीं सुठे नमूने से एक्चुअलाइज थी सकती रियासतूँ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कम कर उन लॉ के उसे रिस्पेक्ट दियन लॉ के मुताबिक उन फैसला हुजन द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अप्लाइड बाय द कम्युनिटी ऑफ नेशंस आर लिस्टेड अंडर आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस which is considered authoritative in this regard un me kehdi provision ho chuki thi international court of justice jo ka bhi hota hai to kehni kehni shay hai jeke international law consider them to ya jinon ki asa source chahi sakta hai international law un me international treaties and conventions jin pa bilayo jeke conventions hunda hai misal taur par un me jeke adopts hina hai un ke asa इंटरनेशनल लॉ कंसीडर कर रहा है या जो ट्रीटीज मुख्तलिफ रियासतों जो ट्रीटीज साइन कर चुके हैं उनके रेक्टिफाई कर चुके हैं उनके ऐसा इंटरनेशनल लॉ कंसीडर कर सकते हैं इंटरनेशनल कस्टम एज ड्राइव फ्रॉम द जनरल प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स जो कि रियासती तौर पर उनकी रस्मों या रिवायत है ट्यों जनरल लीगल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज्ड नेशन जेके जनरल प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जा इंटरनेशनल रिलेशंस जा इकोनॉमी जा मुख्य फोरम्स से जेके एक्सेप्ट किया उन्होंने था उहे पण इंटरनेशनल लॉ कंसीडर था यानी ये टेंशन सोर्सेज आर इंटरनेशनल लॉ इनन जे थ्रू ही ग्लोबली इंटरनेशनल लॉ दुनिया में अचे थे अच्छा मोहम्मद असलम चाहे तो द लॉ ऑफ द स्टेट रेगुलेटिंग इट्स इंटरनल अफेयर्स असलम पान इंटरनेशनल लॉ की गाल पे इंटरनल लॉ की गाल पे इंटरनल जो रियासत जो लॉ हो वो रियासत पान ठाई उन पार्लियामेंट ठाई उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी वह ठाई अस गाल पे क्यों रियासत के बीच में एक बे क्वेश्चंस की जी फंक्शन कहन उन बेसिस कड़ा होंगे उनके पा तो उनके बेसिस होंगे इंटरनेशनल लॉ या आलमी कानून जेके आलमी कानून दुनिया में एक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट किया था उन्हें या जो उनके रियासत रेटिफाई किया हुआ है वह इंटरनेशनल लॉ तौर तस्लीम किया था उन्हें उनके मुताबिक रियासत कम कर अच्छा हाँ अचूँ था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेजर फोकस आर ऑन हाउ पावर ऑपरेट्स विद इन and between states in international arena international jega politics ahe un jo jo focus hundo a wo inte hundo a riyasat ek be sa ai paan mein kehde namune sa jeko a operate kan thi un ja relations kehde namune sa hain ek be sa ki interact kan thi kehda vaada kan thi kehde value kan thi ya trade mein ek be sa un interaction ki ahe ने समूरे प्रोसेस के पूरे अमल के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चे वरी जरा सा इंटरनेशनल रिलेशंस से चौंगा द इंटरनेशनल रिलेशंस इज कंसर्नड विद रिलेशंस अक्रॉस बाउंड्रीज बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट्स इट एड्रेसेस इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ग्लोबल गवर्नेंस इंटर कल्चरल रिलेशंस नेशनल एंड एथनिक आइडेंटिटीज
foreign policy analysis, development studies, environment, international security, diplomacy, terrorism, media, social movements, and more. It is multidisciplinary field that does not restrict students to one approach and employ a variety of methods, including discourse analysis, statistics, and comparative and historical analysis. इंटरनेशनल रिलेशन से जना असा चाहूँ तो उनमें समूरा मामला डिस्कस थियन था उनकी गालबोत थे थी उनमें जी बुधायल है आलमी जी इकॉनमी है आलमी जी गवर्नेंस है इंतजामकारी है इंटरकल्चर जी रिलेशन होता है या मुख्तलिफ कल्चर के बीच में रिलेशन वास्ता होता है मुख्तलिफ बोलियों आइडेंटिटीज है इंटरेक्शन है उन्हें असा इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू या ग्लोबल सिक्योरिटी है डिप्लोमेसी है टेररिज्म मीडिया है समाज की तहरीक जो है या बी आलमी कारोबार है ट्रेड है क्लाइमेट से जहाँ इंटरेक्शन थे रियासत के बीच में ये समूरा जो मामला इंटरनेशनल रिलेशन के स्पेयर या उन समझो तो दायरे के अंदर अच्छा समूरी शुरू से इंटरनेशनल रिलेशन में कंसिडर कर हाँ हि तुम सवाल है पा कचहरी अगत कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट दिस सिंबल ये जो सिंबल जी स्क्रीन ते है इन लोगो सिंबल के बारे में तू कें सिंबल ये मजेदार अगर डिस्कशन हवाले से कह पर बुधाए सोता कें सिंबल है सुपर हीरो मूवीज जो जिक्र न कर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से पता है सो ही सिंबल रिप्रेजेंट करे तो ये जो सिंबल आडो है रिप्रेजेंट करे व्हाट इट इज कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट दिस इन सिंबल के बारे में तुम बुधा पा अगर वादा स्क्रीन से जो तुम सिंबल है यो छो है रिप्रेजेंट कर सो सिंबल के बारे में बुधा सको या लोगो के बारे में बुधा सको हिंदी रिप्रेजेंट करे तो इनको मतलब है टाइम्स अप ही लीग ऑफ नेशंस जो सिंबल तुम बुध लीग ऑफ नेशंस लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई जी मुख्तलिफ रियासत के बीच में पीस कराने के लिए जैसे ठाया वो हो अच्छा मोहम्मद सलम चे तो आई थिंक इजराइली फ्लैग लोगो है मेरे ख्याल में यहूदियों का निशान है यहूदियों का निशान ना है उन जड़ो नजर अचे तो पर ही लीग ऑफ नेशंस जो लोगो है जिन्हें दोस्तों लीग ऑफ नेशंस के बारे में बुध है तो उनके अंदाजो हों लीग ऑफ नेशंस हुई लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हुई जी यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हुई उनका जो पर्पज हो तो ग्लोबली पीस के प्रमोट कजे पीस कायम कजे रियासत के बीच में रिलेशन है वो बेहतर कजे वह पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस थी हुई 1919 में 1919 में जो कॉन्फ्रेंस थी हुई उनका उनके कायम किया गया हो 1920 में उनके कायम किया बाद में वह 1946 में बिल्कुल उनका ऑपरेशन खत्म थी गया जैसे यूएन अची वही लीग ऑफ नेशंस जो खत्म थियना है या जो जो एक्टिव न होजन उनको नतीजो ये निकलो बी आलमी जंग लगी लीग ऑफ नेशंस उन जंग के
रोकने में बिल्कुल नाकाम थी, यानी कि लीग ऑफ नेशंस उन जंग के रोके न सके। अच्छा हिन लोगों के बारे में तक तकड़े बुधाइंदा मुझे पर टाइम ये बिल्कुल ये समझो तो तान का फैमिलियर हों ये ढो मकबूल लोग है इनता ही पॉपुलर दुनिया में इनके तमाम यूज किया लोगो या सिंबल के बारे में रिप्रेजेंट कर नेक्स्ट स्लाइड में जे बारे में अच्छा मोहम्मद असलम चाहे तो यूएन जो लोगो ओके दोस्त नेक्स्ट स्लाइड में लोगो के बारे में उनके पा डिस्कस कंदासी पीर मुनारी चे तो तमाम बेहतरीन मेहरबानी पीर पीर मुनारी क्लास में घुरा हुआ पीर मुनारी चे तो यूएन करीम बख्श चे तो यूएन ठीक है इनके सवाल के खत्म था कि बिल्कुल अकवाम मुतहदा जो लोगो है या जिनके पा गडियल कौम पिण चूं था यूनाइटेड नेशंस चूं था लोगो है हाँ उन हवा से अगर पा कचहरी कदा यूनाइटेड नेशंस यूएन से पा जो था तो जिका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है यूएन जो तमाम घो इन्फ्लुएंस हों मुख्तलिफ मामलों के तय कर में मुख्तलिफ रियासत जे एक रिलेशन उनके मेंटेन कर में जी ग्लोबल इशूज है उनते यूएन जो हर लिहाज का इनपुट हों उन करे पान जो शुरुआत क्यों पिस्कशन यूएन का ही क्यों पगे हली कर पा बन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इकॉनॉमी ला जहाँ एस्पेक्ट्स ऑन 25 अप्रैल 1945 50 गवर्नमेंट्स मेड इन सैन फ्रांसिस्को फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द यूएन चार्टर 25 अप्रैल 1945 पंजा मुल्क नुमाइंदा पा में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पा मिलिया यूएन चार्टर से कम कर शुरू विच वॉज एडॉप्टेड ऑन 25 जून 1945 एंड टुक इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945 व्हेन द यूएन बिगेन ऑपरेशंस 25 जून 1945 में अडॉप्ट कर शुरुआत थी है यूएन जी इफेक्टिव थोड़ा यूएन जो चार्टर वो 24 अक्टूबर 1945 डेट्स नोट कर सको मुख्तलिफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उन डेट्स खास तौर यूएन के हवा से मेंबरशिप ऑफ यूएन इज नाउ 193 रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स सॉवरेन स्टेट्स दुनिया में जी भी आजाद या खुद मुख्तियार रियासतों समूर अकवाम मुतहदा जो मेंबर है या यूनाइटेड नेशंस जो मेंबर है हिंसर जो उनको तादाद है वो 193 है 193 द यूएन हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स द जनरल असेंबली द सिक्योरिटी काउंसिल द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द ट्रस्टीशिप काउंसिल द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटरी छह उनका ये समझो हिस्सा है ना यूएन जा या उनका ऑर्गन्स हैं या उनका पण इदारा चाहिए सब था उन्हें जेके यूएन जो ऑपरेशंस हैं वो इन्हें छह इदारन के जरिए चन था या छह उनके ऑर्गन्स के जरिए चन था द यूएन सिस्टम इंक्लूड्स अ मल्टीट्यूड ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज फंड्स एंड प्रोग्राम्स सच एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप The World Health Organization, the World Food Program, UNESCO and UNICEF. इन्हें का इलावा इन्हें organs का इलावा भी इलाही सारी बड़ी agencies हैं, इलाही सारा ब्याह ऐडा इदारा है, जेके UN जे थ्रू कम कर था, UN उनके fund करे थी, उन्हें जाले सारा programs UN सब कर हलन था, तो जी जेके global issues आए ना, उन्हें ये address करे सकते हैं, उन्हें कम करे सकते हैं। अने ही list आए उन्होंने इदार की उनखा अलावा इतने बी जगह लिस्ट दिनी है जी पंजवी मुल्क कंट्रीब्यूट कन था यूएन में बजट के कॉन्टेक्स में या तमाम घो कंट्रीब्यूट कन था उन्होंने इतने लिस्ट दिनी है
हाँ जो वे में वो यूएन की बजट में कंट्रीब्यूटर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है या अमेरिका है। अमेरिका सभी का कंट्रीब्यूट करे तो अराउंड 22%, बे नंबर से चाइना कंट्रीब्यूट करे तो अराउंड 12%, उनका जापान है 8%, जर्मनी 6% एंड यूनाइटेड किंगडम 4%, फ्रांस 4%। एंड इतनी शोट कजो तो जी भी रियासतों ग्लोबली यूएन में कंट्रीब्यूट कन थी बजट में कंट्रीब्यूट कन थी उनको तमाम वो इन्फ्लुएंस है। जाहिर है जो डुकड़ दिए तो जो रिसोर्स दिए तो उनको इन्फ्लुएंस वे में वो कंट्रीब्यूटर केर है यूएसए अमेरिका। अमेरिका जो 22% बजट यूएन की पान दिए तो इनको मतलब है जी डिसीशन यूएन के अंदर थियन था वो सीधी या अणसिधी तरह अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होता है या उनकी असर है। रिजोल्यूशंस में या वो कन्वेंशन पास थे रीजन चाहे तो यूएन जो तमाम बड़ो जो ग्लोबली पॉलिटिक्स से असर है। यूएन के थ्रू का शे जन थे थी उनके समूरी दुनिया में रेस्पेक्ट निगाह से उठो तो वही उनके एक्सेप्ट किया अंदाजो लगा सको अमेरिका की हेजमनी है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वह थ्रू यूएन है। वह थ्रू यूएन उनके करे है यूएन में जो बजट है उनमें वे में वो कंट्रीब्यूटर अमेरिका। हाँ बी जी मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जिन जिन थ्रू यूएन कम करे थी उनमें पे मिसाल एफ ए ओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गनइजेशन है उनको इतने हेडक्वार्टर किथे है कदम वह कायम थी है यो पिण इतने दिनल है तर रखे। मिसाल तौर से एफ ए ओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनइजेशन मिसाल हेडक्वार्टर रोम में है इटली में है 1945 में कायम थी। या इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनइजेशन है तो करंटली उन हेडक्वार्टर कैनेडा में है 1947 में कायम थी। अच्छा इनमें वरी कुछ अड़ो एजेंसीज अथव जी यूएन के कायम थियण का अग में कायम यूएन अ कायम ही को हुई उन्हीं बाद में इंटीग्रेट कई वो यूएन मिसाल तौर पर एग्जाम्पल है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यह 1865 में कायम थी पर बाद में इनके इंटीग्रेट किया वो यूएन से। हिगी लिस्ट है जो तेजे नालो है नोट कर सोता ये वे शे मुख्तलिफ एग्जाम्स में तके उनके हवाले से सवाल अच्छी सो लेट्स मूव ऑन टाइम की गिल के हवाले से समूरी स्लाइड के पढ़ा सी को अच्छा चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंतहाई अहम शे है पा चूं था द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस आल्सो नोन एज द यूएन चार्टर इज द फाउंडेशन ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इट एस्टैब्लिश्ड द पर्पसेस गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द यूएन सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स द सेक्रेटरी जनरल असेंबली द सिक्योरिटी काउंसिल द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल the international court of justice and the trusteeship council. The UN charter mandates the UN and its member states to maintain international peace and security, uphold international law, achieve higher standards of living for their citizens, address economic, social, health and related problems and promote universal aspect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion. As a charter and constituent treaty, its rules and obligations are binding on all members and suspends those of other treaties. And the UN charter hai wo jiki unja member hai उन्हें सभी के लागू थे यो बुनियादी ये समझो डॉक्यूमेंट है जिनके बुनियाद
यूएन कम करण शुरू कयो हिंजा जेके स्ट्रक्चर्स आहिन जेके एजेंसीज आहिन उहे ठाहियो थ्रू इट्स चार्टर आई यूएन की ऑपरेट कंदी रियासतूं यूएन जे अंदर एज मेंबर सा की इंटरेक्ट कंदी आई की उन जा एक सा रिलेशंस होता पीस बिल्डिंग दे लावे की कम कंदी इंटरनेशनल डेवलपमेंट दे लावे तब की कदियो वो इन चार्टर जे थ्रू ये समझो तो डिसाइड के ये चार्टर जी रियासत जो आईन हुआ रियासत जो आईन ठाई दियो त ही जो चार्टर आहे वो ये समझो तो यूएन जो आईन आ यूएन इन चार्टर जे बेस ते कम करे थी जे के फंक्शंस आहेन थ्रू इट्स चार्टर चा अच्छा इन का जो आम डॉक्यूमेंट है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये इंतहाई अहम बुनियादी डॉक्यूमेंट है इन्हें डॉक्यूमेंट के बुनियाद से ही रियासतूँ पॉलिसीज जो बेहतर कन थी पॉलिसीज के रिवाइज कन थी पॉलिसीज ठाहन थी इन डॉक्यूमेंट के इंसानी हकन के लिए ये समझो वो संगे में चाहिए The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, is an international document adopted by the United Nations General Assembly that enshrines the rights and freedoms of all human beings. It was accepted by the General Assembly as Resolution 217 during its third session on 10 December 1948 at the Place de चेलोर इन पेरिस फ्रांस 1948 में ये डेट का नोट कर सको था 10 दिसंबर 1948 में इनके अडॉप्ट कयो वियो हो ही जको आ है पूरी दुनिया में रहंदर जेके भी इंसान आ है उनन जी आजादी उनन जी हकन के रिकॉग्नाइज करे तो उनन के एंश्योर करण के लिए एकरो फ्रेमवर्क पेश करे Considered a functional text in the history of human and civil rights, the declaration consists of 30 articles detailing an individual's basic rights and fundamental freedoms and affirming their universal character as inherent, inalienable, and applicable to all human beings, adopted as common standard of achievement for all people. And all nations, the UDHR commits nations to recognize all humans as being born free and equal in dignity and rights, regardless of their nationality, place of residence, gender, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. Yani hina declaration je through. आलमी तौर पर यूएन यो तस्लीम कयो तो समूरा इंसान बगैर के फर्क जे बराबर है इक्वल है उन्हनि सां कंहिं बि इंसान सां उहो चाहे कंहिं बि ॿोली सां वास्तो रखंदो हुजे कंहिं बि टेरिटरी सां वास्तो रखंदो हुजे कंहिं बि मुल्क सां कंहिं बि कल्चर सां उहो वास्तो रखंदो हुजे कंहिं बि मज़हब सां उहो वास्तो रखंदो हुजे उनखे उन आइडेंटिटी जे बुनियाद ते तव्हां घटि या वधि नथा कयो यानी न उनके की रीजन बोली जेंडर के बुनियाद से अहमियत मिली सके थी न वरी उनकी अहमियत तुम घटा सको था समूरा इंसान इन चार्टर के मुताबिक बराबर है ने उन सभी के एकड़ी निगाह से दिसन घुर्जे सभी से एकड़ी तरह जो रवैयो अपनाने घुर्जे इन्हें चार्टर के बुनियाद से ही रियासत इंसान यूएन गलहाए थी तो उन्हें जो पेंजे शहर इंसान कहो जो रवैयो है कड़े उन पॉलिसीज हैं इन चार्टर के बुनियाद अक्सरा यूएन जो कानून है उन बुनियाद से यूएन जो मॉनिटर करे थी रियासत के आया उत कानून ठहरा उत रियासत कानून है या उत कानून की इम्प्लीमेंटेशन है आया वह इन चार्टर के अकॉर्डिंग्स में है या न उ वाकई पैं मान के हक दियन था या ना दियन तो उन यूएन जा जेके इदारा आहिनि पंहिंजो फीडबैक ॾियनि था ऐं उनखां अलावा यूएन जा इदारा उनखे पॉइंट आउट करे प्रेशराइज़ कनि था गवर्नमेंट्स खे त जेके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आहिनि उनजे मुताबिक़ पंहिंजे माण्हुनि खे ट्रीट कयो ऐं ग्लोबली जेके बि रियासतूं आहिनि उहे यूएन जे मेंबर हुअण जी हैसियत में इन चार्टर खे इहे सम्झो
इंप्लीमेंट कर चार्टर के मुताबिक पॉलिसीज जो जिम्मेदार का भी रियासत इन चार्टर के अगेंस्ट में पॉलिसी ठाए थी या शहर के हक नी दे या उनके खिलाफ को कम करे थी तो यूएन उनके खिलाफ का कार्रवाई कर सके थी। इलाही सारा अड़ा एग्जाम्पल्स मौजूद है तो जो रियासत इंसानी हकन की भिंकड़ी कन थी या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ को कम कन थी उनके खिलाफ इक्सादी पाबंदी टूल्स यूएन इदारा इंटरनेशनल इदारा टूल्स यूज कर रियासत के प्रेशराइज कर आलमी कानून तहत शहर के हक दें। हाँ हि बया बुनियादी कानून है जिनके पिण इंतहाई अहमियत हासिल है इतना यार एग्जाम्पल पेश क्या तो मिसाल तौर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उनका अलावा कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन औरतन के लिए है कन्वेंशन यूनेस्को कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज यूपन कन्वेंशन यूनियन में अडॉप्ट थे है। उनके अलावा चौथे नंबर से मिसाल तौर एग्जाम्पल दे सकूँ था द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पंजे नंबर से इतने एग्जाम्पल दिनल है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल सेशन ऑन चिल्ड्रेन उनका अलावा कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द ट्रांस बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट या उनका अलावा द बेजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन या उनके अलावा लास्ट में अठे नंबर से दिनों है जेंडर इक्वलिटी डेवलपमेंट एंड पीस फॉर द 21st सेंचुरी यो 23rd स्पेशल सेशन यो जनरल असेंबली जो उनमें हाँ ये जो समूरा कन्वेंशन्स रेजोल्यूशन कानून है ये आलमी तौर से जी मामला उनके एड्रेस कन था उनमें औरतू बार या बिया ग्लोबल जो उनके अलावा इशूज हैं उनके एड्रेस करने के लिए राइट्स के इंश्योर करने के लिए प्रोटेक्शंस के इंश्योर करने के लिए ये कन्वेंशन्स या रेजोल्यूशन यूएन में पास थी रहा था। अच्छा हाँ अस चूं था वीटो सिस्टम से तुम जरूर ही बुध होंगे अपने फीडबैक दियो तो वीटो पावर सिस्टम है हु हैज इट कें वट है ये वीटो पावर सिस्टम तुम बुधा सको वीटो पावर सिस्टम यो कें वट है कें समाज या घर की गाल कें घर में थी सके तो कें वट थी सके तो वीटो पावर ग्लोबली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में असल ग्लोबली वीटो पावर सिस्टम कें वट है इन पावर जा वीटो पावर सिस्टम जा इलाही सारा मुतासर है पर खास तौर पर फलस्तीन जो मुतासर हमेशा यो बुधा तो कि अच्छा मोहम्मद असलम जवाब दिनों है तो यूएसए चाइना यूके फ्रांस रशिया ओके सस्पेंस के टोड़ा को मुल्क के नाला लिखी वरता है समझी वो रोशन चे तो यूएसए यूके चाइना मतलब तवण जो मकसद है तो इन टिन मुल्क वीटो पावर है पर वीटो पावर है यो कि मिलो इन यो तुम बुधा वीटो पावर है मिलो
उन खां पोइ तव्हां ॿुधाए सघो था त कहिड़नि मुल्कनि वटि वीटो पावर आहे, छाकाणि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वीटो पावर तमामु घणी अहमियत हूंदी आहे। वीटो पावर सिस्टम हू हैज़ इट, हाणे बसि अॻियां वधूं था, जेका कंहिंजो फीडबैक आहे ठीकु आहे, न त अच्छा हाणे वीटो पावर सिस्टम, हाणे ॿ कैटेगरीज़ आहिनि यूएन जे मेंबर्स, हिकिड़ा आहिनि परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल, जेके सिक्योरिटी काउंसिल जा परमानेंट मेंबर्स आहिनि उन्हनि वटि वीटो पावर आहे, ऐं इहे उहे चङा मुड़ुस आहिनि जिन्हनि ॿी आलमी जंग में फतह हासिल कई हुई, ऐं इन्हनि गॾिजी करे यूएन ठहिराई हुई, ऐं यूएन में पंहिंजो हिकु ख़ासि स्टेटस इन्हनि क़ाइमु कयो हुयो, ऐं उहो ख़ासि स्टेटस इन्हनि खे इहो अख़्तियार थो ॾिए त जेकॾहिं सिक्योरिटी काउंसिल में को बि रेज़ोल्यूशन अचे थो उन खे ई स्टॉप करे सघनि था, उन खे ई वीटो करे सघनि था। इन्हनि मां को बि मुल्क अमेरिका, बर्तानिया या जेके पाण यूके चवंदा आहिनि, फ्रांस, रशिया ऐं चाइना, इहे उहे मुल्क आहिनि पंज कंट्रीज जेके सिक्योरिटी काउंसिल जा परमानेंट मेंबर्स आहिनि ऐं फाउंडिंग मेंबर्स आहिनि यूएन जा, ऐं इन्हनि गॾिजी करे इहो पंहिंजे लाइ जेको आहे इहो सिस्टम ठाहियो हुयो, ऐं अॼु बि इन ते इलाही सारी मुखालफ़त थिए थी दुनिया में, ऐं माण्हू ऐं ख़ासि तौर ते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेके स्कॉलर्स आहिनि या पॉलिटिशियंस आहिनि उहे मुखालफ़त कनि था, उन इलाही सारा रीज़न्स आहिनि मुखालफ़त जा, पर बुनियादी रीज़न इहो आहे त इहो इहे सम्झो त कैटेगरीज ठाहे थो छॾे मेंबर्स जूं, माना हिकिड़ा चङा मुड़ुस आहिनि, ॿिया बसि ईअं आम मेंबर्स आहिनि। हाणे हिननि खे जेको इहो पटको ॿधलु आहे इहो कंहिं ॿधो कोन्हे, इहो हिननि पटको पंहिंजे सर ते पाण ॿधो आहे, इहे जेके पंज मुल्क आहिनि इन्हनि पंहिंजे पाण खे चङो मुड़ुसु कयो आहे यूएन जो, न त यूएन जी जनरल असेंबली में को अहिड़ो रेज़ोल्यूशन पास न आहे थियो जंहिंमें इहो चयल हुजे असां हिन पंज मुल्कनि खे पंहिंजो लीडर था ठाहियूं या इन्हनि खे इहो अख़्तियार था ॾियूं त सिक्योरिटी काउंसिल जेको जेकॾहिं रेज़ोल्यूशन हूंदो उनखे ई वीटो करे सघनि था या कंहिं डिसीशन खे ई वीटो करे सघनि था। सो इहो इन्हनि पाण पंहिंजे तौर ते कयो आहे जेको ग्लोबली या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जे कॉन्टेक्स में सही न आहे, ऐं जेको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जी ॻाल्हि कनि था, हा त फाटे हिन जो डेमोक्रेसी जे लाइ, इन्हनि खां इहो पुछी सघो था तव्हां त अदा इहो कहिड़े डेमोक्रेसी जी किताब में लिखियलु आहे त पंजनि मुल्कनि खे तव्हां हिकु स्पेशल पावर्स ॾेई छॾियो ऐं ॿिया जेके मुल्क आहिनि उन्हनि वटि उहे पावर्स न हुजनि। सो ही इस्तेहसाल जो ऐं ग्लोबली जेका पॉलिटिक्स आहे पंहिंजी हेजमनी क़ाइमु रखण जो हिकिड़ो टूल आहे, तरीक़ो आहे, ऐं इहे मुल्क पंहिंजे पावर खे, वीटो पावर सिस्टम खे यूज़ कंदे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जेको आहे पंहिंजो इंफ्लुएंस क़ाइमु कनि था ऐं जेके डिसीशन्स थियनि था इन पावर जे बुनियाद ते या इन पावर जे कारण थियनि बि था ऐं उहे तब्दील थी सघनि था। हाणे अचूं था इहो सिस्टम छा आहे, थोरनि कहाणी ते अचूं। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर रेफर्स टू द पावर ऑफ फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू वीटो एनी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन, हाउएवर अ परमानेंट मेंबर्स एब्सटेंशन और एब्सेंस डज नॉट prevent a draft resolution from being adopted. This veto power does not apply to procedural votes as determined by the permanent members themselves. A permanent member can also block the selection of secretary general, although a formal veto is unnecessary since the vote is taken behind closed doors. The veto power is controversial. जी मूं तव्हांखे ॿुधायो त कंट्रोवर्शियल आहे, ग्लोबली पॉप्युलर सिस्टम न आहे, हिनखे आलमी तौर ते तमामु कंट्रोवर्शियल डेमोक्रेसी जे ख़िलाफ़ु चयो। द वीटो पावर इज़ कंट्रोवर्शियल
supporters regard it as the promoter of international stability. माने जी कि supporter है वो यू एक्सक्यूज ली ना है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए ना है पर यो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कायम करने को टूल है या चेक अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड क्रिटिकल सेफगार्ड अगेंस्ट यूएस डोमिनेशन क्रिटिक्स से दैट द वीटो इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट ऑफ द यूएन यानी यो तमाम गैर जमहूरी जो सिस्टम है जमहूरियत के रिवायत रस्म या उनके वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है एज वेल एज द मेन कॉज ऑफ इनएक्शन ऑन वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एज इट इफेक्टिवली प्रिवेंट्स यूएन एक्शन अगेंस्ट द परमानेंट मेंबर्स एंड देयर अलायंस यानी ही न सिर्फ गैर जमहूरी है पर जेके दुनिया में इंसानियत के खिलाफ जेके वार क्राइम्स थियन था उन जे खिलाफ जेके यूएन को एक्शन खण चाहे थी उन एक्शंस के भी रोके छाकाण जेके परमानेंट मेंबर्स आयन उहे पेंजे खिलाफ को एक्शन थिन को था हाने सो अमेरिका जेको अफगानिस्तान इराक में जेके वार क्राइम्स कया उन खिलाफ को यूएन एक्शन नथी खणी सके छो यूएन एक्शन की खणदी को परमानेंट मेंबर जे मथा पान जो पटको बधी कर रखो उन्हें के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल को रेजोल्यूशन अमेरिका पेंजे खिलाफ को रेजोल्यूशन पास थे की जब उनके खिलाफ को रेजोल्यूशन पास ही नो थी सके तो यूएन माना उनके खिलाफ को एक्शन खड़ी नी सके सागे नमूने से जी परमानेंट मेंबर अलायज है या उनके इतिहादी उनके खिलाफ तारीख में कदम रेजोल्यूशन कें आने की कोशिश कई है उनके पिण उनके इतिहाद वीटो किया एग्जाम्पल दिया तो शुरुआत में इन वीटो पावर सिस्टम जो सभी का वो मुतासर है वो फलस्तीन है फलस्तीनी मानू है फलस्तीन जो गरीब मिस्किन मानू है अमेरिका इजराइल के हक में इन पावर सिस्टम के वीटो सिस्टम के ये समझो तो 43 दफा यूज किया 43 दफा 43 टाइम्स उन एतरो तादाद में पेंजे लाए अमेरिकन मानन जे लाए वो एतरो वीटो पावर सिस्टम के यूज ना है कयो जेतरो हुन इजराइल के सपोर्ट करण या उनके प्रोटेक्ट करण जे लाए वीटो पावर सिस्टम यूज कयो जदा को रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ अचे तो अमेरिका विच में रड्यू करण शुरू करे तो ए पेंजो वीटो पावर सिस्टम यूज कर यो ही सबब है इजराइल के खिलाफ यूएन को एक्शन खणी नथी सके छो जदा में एक्शन खण जो टाइम अचे तो सिक्योरिटी काउंसिल में को रेजोल्यूशन अचे तो अमेरिका जो उनके वीटो करे तो छे अमेरिका उन डिसीजन के इम्प्लीमेंट थे 1970 के दहाके का अमेरिका यो इजराइल के हक में वीटो यूज कर शुरू किया अना तक जारी है अच्छा हाँ एक क्वेश्चन है नेटो है What is NATO? इन्हें से लगा पर बियो क्वेश्चन है why it was established? क्यों? Who leads it? NATO के हवाले से टे सवाल है What is NATO? Why it was established? And number three, who leads it? नेटो जो तुम जरूर जिक्र बुदो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आलमी तौर से नेटो है इनके छो कायम करो हो टों सवाल है इनके केर लीड करे थे? You can tell me about the NATO. What is NATO? Why it was established? Who leads it? Chakan NATO jo international politics mein tamam bado weight hai ai tamam ghano jo influence hai
खास तौर पर वार थन थे जंगू थन थी दुनिया में उनमें नेटवर्क जो तक इनपुट जरूर मिल खबर होंगी नेटवर्क है। अच्छा मोहम्मद असलम जो फीडबैक है नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज ओके मोहम्मद असलम चे तो नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के चवना है सही है। सो हाँ नेटो के पा अगे अचों था तो इनके छो ठायो छा इनको मकसद हो चाइन स्लाइड खान अच्छा लाग पे नेटो के पा डिस्क्राइब था करे बतो तो नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो जो जो है नालो है इनके एस्टैब्लिश कयो वियो हो फॉर कंटेनिंग सोवियत यूनियन एंड इट्स अलायंस छो 1947 में बल्कि 1945 का वठी करे जद का बी आलमी जंग शुरू थी है तो इनमें अमेरिका के विच में सोवियत यूनियन के विच में कोल्ड वॉर शुरू थी वह कोल्ड वॉर तक खबर आ बिन ब्लॉक्स के विच में हुई एक पास सोवियत यूनियन होंद हो बे पास अमेरिका होंद अमेरिका जिन ब्लॉक के लीड पे कर वेस्टर्न ब्लॉक उन्हें गजी कर इतिहाद या ये समझो तो डिफेंस एग्रीमेंट कर एक बे सा गजी कर इतिहाद जैसे उन्हें नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नालो दिनों उन्हें में उन्हें एक बे सा मिलिट्री के बुनियाद से डिफेंस के बुनियाद एक बे सा कोऑपरेशन कर सपोर्ट करने के लिए उन्होंने यो इतिहाद ठायो इनके ठाने जो बुनियादी मकसद हो तो सोवियत यूनियन के इतिहाद के रोक जे उन्हें के कंटेन उनके जो लीड करने वो है हालांकि इनकी जरूरत खत्म थी वही है हाँ नेटो की जरूरत ना है सोवियत यूनियन टुटी हो पर उन बावजूद अजा तुम काम कायम है इन्हें नेटो के जरिए अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज से कंट्रोल करे तो उनके इन्फ्लुएंस करे तो उनके यूज करे तो मुख्तलिफ वार्स में मुख्तलिफ मामला में इन्हीं के कंटेन करने के लिए नेटो के कंटेन करने के लिए वार्सा पैक्ट थो हो जरा वेस्ट जर्मनी नेटो में शामिल थो हो उनका सोवियत यूनियन सोचो तो जो उनका इतिहादी उन्हें सभी के गदाय कर इतिहाद ठाजे सोवियत यूनियन उनके इतिहाद पिण उनमें जो हिस्सों वरतो हो उनमें शामिल हुआ बिन्हीं इतिहाद जो सोवियत यूनियन के टुटण का समझो तो पर्पस खत्म थी पर नेटो अजा तक कायम है छो अमेरिका नेटो के यूज करे तो फॉर पॉलिटिकल गेन्स डिफेंस के हिसाब से पानी मजबूत रखने के लिए यूरोपियन मुल्क कंट्रोल रखने के लिए हाँ ये जो मैप आ इनमें ती सको था जो ब्लू कलर है ये समूरा नेटो जहा मेंबर्स अमेरिका है कैनेडा है यूके है या मिसाल तौर फ्रांस है जर्मनी है समूरा उनका मेंबर्स बी कलर्स ये समझो इन कंसिडर क्या पीस पार्टनर्स मिसाल तौर रशिया के सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पीस पार्टनर्स कर या इनके पाकिस्तान अफगानिस्तान मंगोलिया इराक ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबल पार्टनर्स कर अच्छा हाँ अस चुका पॉलिटिकल इकोनॉमी पे सियासी साध्या पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड देयर रिलेशन विद लॉ कस्टम एंड गवर्नमेंट एंड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इनकम एंड वेल्थ सिंधी में अंडरस्टैंडिंग लाइफ सिंधी में मुझे बयान किया है तो सियासी साध्या पैदावार कारोबार उन लागापियल कानून
रिवायतन हुकूमत ऐं क़ौमी मिल्कियत आमदनी जे विर्छ जे अमल जो नालो आहे। यानी आलमी तौर ते जेका प्रोडक्शन थिए थी, ट्रेड थिए थी, ऐं रियासतनि जे विच में इकोनॉमिक जेके रिलेशन्स आहिनि उहे जॾहिं क़ाइमु थियनि था ऐं लॉ जे मुताबिक़ जॾहिं उहे रिलेशन्स क़ाइमु थियनि था ऐं जेके इंटरनेशनल इकोनॉमिक सां रिलेटेड जेके लॉ आहिनि इन्हनि समूरनि शयुनि खे जॾहिं असां ॾिसूं था, स्टडी कयूं था, इहा पोलिटिकल इकॉनॉमी आहे। Origin of Trump political economy. You know, Trump आयो आयो किथां? The Trump political economy is derived from Greek word polis means city or state and oikomenos means one who manage a household or state. Oikonomos yani one who manages a household or state. Political economy thus can be understood as the study of how a country, the public's household is managed or governed, taking into account both political and economic aspects. Originally political economy means the study of the conditions under which production or consumption within limited parameters was organized in nation states. In that way, political economy expanded the emphasis of economics, which comes from the Greek oikos means home and nomos means law, the order. Political economy was meant to express the laws of production of wealth at the state level, quite like economy's concerns putting home to order. Phrase economy politic translated in English political economy first appeared in France in 1615 with a well known book by Antoni de Montmorency. Yani 1916 ka jo Trump hai political economy wo France ka hi originate thyo hai, par shuruaat mein jada asan dison tha to bin Greek words ke mili kare jo Trump thayo ho ekro polis ai jo oikonomos. ऐं जॾहिं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जी जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं त उहा न सिर्फ़ु नेशनल बाउंड्रीज़ में अचे थी, पर नेशनल बाउंड्रीज़ खां अक्रॉस जेके बि इंटरनेशनल पार्टनर्स हूंदा आहिनि, जेके रियासतूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जे विच में इकोनॉमिक बेसिस ते जेको इंटरेक्शन थींदो आहे, जेके उन म्यूचुअल ट्रीटीज़ साइन थींदियूं आहिनि, ट्रेड थींदो आहे, इहे सभियूं शयूं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में अचनि थियूं। न त जेकॾहिं सिर्फ़ु असां पॉलिटिकल इकोनॉमी जी ॻाल्हि कयूं त रियासत जे अंदरि प्रोडक्शन जो, कंज़म्पशन जो, या उन सां लाॻापियल जेके लॉज़ हूंदा आहिनि या उनखे जेको मैनेजमेंट हूंदी आहे, जेका गवर्नेंस हूंदी आहे, उनखे पॉलिटिकल इकोनॉमी या सियासी इक़्तिसादियात चयो वेंदो आहे। ऐं इंटरनेशनल लेवल ते जॾहिं रियासतूं हिक ॿिए सां इकोनॉमी जे कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेड जे कॉन्टेक्स्ट में जॾहिं हिक ॿिए सां इंटरेक्ट कनि थियूं, ट्रीटीज़ कनि थियूं, ट्रेड कनि थियूं, त उनखे असां पाण इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी चऊं था। अच्छा, हाणे हिते वरी मां तव्हांखे डिफरेंस बयान थो करे ॿुधायां त डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी क़ौमी ऐं आलमी जेका सियासी इक़्तिसादियात आहे उनमें कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी डील्स विद द ऑपरेशंस, लॉज, रेगुलेशंस and distribution patterns within the limit of certain territory of a state or country. Yani jada asa national political economy ki gal kare to uha ke makhsoos riyasat je haddan je andar hundi hai, unme jeke operations hain, laws hain, regulations hain, distribution da jeke patterns hain, uhe limited hunda hain makhsoos territory mein ya un makhsoos mulk mein je mulk mein uha economy hundi hai. पर जॾहिं असां इंटरनेशनल या ग्लोबल पॉलिटिकल इकॉनॉमी ते अचूं था त इंटरनेशनल और ग्लोबल पॉलिटिकल इकॉनॉमी डील्स विथ इंटरनेशनल लॉज, रेगुलेशंस, कस्टम्स एंड कंडीशंस. इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ स्टेट्स कैन बी अफेक्टेड बाय सर्टेन स्टेट्स और स्टेट्स पॉलिसीज बाय इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉज. यानी जेका इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनॉमी आहे, ग्लोबल जेका पॉलिटिकल इकॉनॉमी आहे, उहा मुतासिर हूंदी आहे आलमी कानून जे असर हेठि हूंदी आहे, आलमी जेके रेगुलेशंस आहिनि, कस्टम्स आहिनि, या जेके रियासतनि जे विच में जेके ट्रीटीज़ थींदा आहिनि उन्हनि जे असर हेठि हूंदी आहे ऐं उन्हनि जे हिसाब सां ई उहा कमु कंदी आहे.
ट्रेड गुंड साफ सुथरी थी है उन रियासत रियासत के बीच में जो एग्रीमेंट हो जड़ी उन बीच में जो ताल्लुक हों जो रिलेशन हों तड़ो ही उन बीच में कारोबार थी सके तो तीन ही इकोनॉमिक बेसिस जैसा इंटरेक्ट कर सके बी आ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक है रियासत की रियासत के पॉलिसीज के कर या इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ के कर मुतासर अक्सर तुम बुध हों फे मुल्क के खिलाफ सेंक्शन लगी हो पाबंदी लगी हो या उन खिलाफ को मुल्क है पाबंदी लगे वो है ये शूं ये मुतासर कन थी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के एनवायरमेंट मुल्क है उन खिलाफ पाबंद लगन थी हाँ तुम सोचो उनका केतरा सारा कंज्यूमर्स मुतासर थे और मिसाल दिया ईरान ईरान पे पाबंद लगल आन जो अमेरिका ईरान आसानी से या समझो सहूलत से तेल आ गैस तुम सोचो ईरान के मत यह पाबंदी न हो तो पाकिस्तान इंडिया या बिया साउथ ईस्ट एशियन जी कंट्रीज हैं वह केतरो सस्ते मुल से तेल गैस वी पे सकता पर न सिर्फ उ पाबंदी ईरान के मुतासर कन प्य पर उ साग पाबंद ईरान के खिलाफ आन ईरान से लागापल कंट्रीज हैं या ईरान के तेल में जो फायद वी उनके गैस में जो फायद वी पिण मुतासर थे उन्होंने भी बर्डन अचे तो सागो अस महंगो तेल गैस वा कतर का सऊदी का यूएई का पर ईरान जो पाबंदी न होजन था तो एज कंपेयर टू गल्फ कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज हैं ईरान सस्ते अर्ग से तेल गैस दी अच्छा वरी अस डिफाइन क्यों था तो जो नेशनल इकोनॉमी है नेशनल इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू द सम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकिंग बाय अ नेशन्स हाउसहोल्ड एंड फर्म्स इन द प्रोडक्ट एंड रिसोर्स मार्केट इन अ ईयर यानी एकड़े साल में कें मुल्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल से जो एक्टिविटी थे थी जो प्रोडक्शन थे थी या जो रिसोर्स उनके अस एक साल में जो भी एक्टिविटी थे कंसिडर करता है उन मुल्क की इकोनॉमी द सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफर्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द फ्लो ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज इन अ नेशन यानी जो मनी जो फ्लो हों पैसों जो फ्लो हों रिसोर्सेज जो फ्लो हों उन्हें जे जरिए उन इंडिकेटर्स के जरिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ग्रुप के अंदर उनके रिप्रेजेंट किया तो वे उनके दिखाया तो वे मुख्तलिफ ग्राफ में मुख्तलिफ तरीके से दिखाई वही जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से अचूँ था इट इज कंसर्न विद द इफेक्ट्स अपॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम इंटरनेशनल डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेस एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट अफेक्ट देम इट सीक्स टू एक्सप्लेन द पैटर्न्स एंड consequences of transactions and interactions between the inhabitants of different countries including trade investment and transaction and the international economy hai was sadly depend kare thi riyastan je andar jeka economic activity the thi ai wo riyastan bi na riyastan sa kede namune sa je ko economic basis te interact kan thi unhe me जी उनका जो रिसोर्सिस प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स में या जो कंज्यूमर्स रियासत के अंदर उन्होंने प्रेफरेंसिस चाहें कंज्यूम करता ये समूर शसरअंदाज थन थी इंटरनेशनल इकोनॉमी से मिसाल तौर जो कें मुल्क में कें शे की कंजप्शन घटती थी वे उन शो इस्तेमाल घट तो वे उन शोर्ट करा जो प्रोड्यूसर आन या जो इकोनॉमीज हैं उनके असर हेट अची मिसाल तौर इंटरनेशनली तेल की कीमत वे थी फायद कल पैदा कल्क में वरी इंटरनेशनल लेवल से तेल की कीमत घटज थी उनको नुकसान थे तो
तेल पैदा कंदड़ मुल्क मिसाल तक एग्जाम्पल दिया तो 2014-15 में ग्लोबली तेल की कीमत में घटताई अचान शुरू थी उनको वे में वो जो असर थो वो ईरान से थो रशिया से थो भी अड़ा मुल्क तेल पैदा कर मुल्क इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया उन सभी थो इकोनॉमीज हेठ थी या इनकम है वह घटी उन मुल्क मेजर इकोनॉमी में जो ये समझो तो एक्सपोर्ट है वह तेल है या गैस है जब तेल गैस की कीमत इंटरनेशनल घटने शुरू थी इकोनॉमीज मुतासर थी शुरू थी अच्छा हाँ चौं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉज या ट्रीटीज हूँ तो इलाही सारा लॉज है इलाही सारा कानून है पर इतने चंद या कुछ अहम जो अंडरस्टैंडिंग के लिए पेश क्या तो अहम कानून या ट्रीटी सभी का पहले चौं जनीवा कन्वेंशन जनीवा कन्वेंशन पर सीरीज ऑफ फोर ट्रीटीज एंड थ्री प्रोटोकॉल्स साइंड एंड रेटिफाइड बाय 195 कंट्रीज द फर्स्ट कन्वेंशन टुक प्लेस इन स्विट्जरलैंड इन 1864 एंड द लास्ट टुक प्लेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन 1945 वाजह जेके यूएन के ठहण का अग में प्रोटोकॉल्स यानी ट्रीटीज साइन थियं उन्होंने इलाही सारे अड़ी आज जिनके बाद में यूएन अडॉप्ट यानी कि उन रूल्स के रेगुलेशन्स के प्रोटोकॉल्स के या उन कन्वेंशन्स के एक्सेप्ट अडॉप्ट उन्होंने बुनियाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएन पॉलिसीज कम करते रहे थे द कन्वेंशन्स चेंज द वेज ऑफ ट्रेडिशनल वॉरफेयर वेन The introduced laws and protective treatment of prisoners of war. This eventually expanded to include the wounded and civilians, especially women and children in conflict zones. It's based to include the Geneva Conventions in resolutions dealing with war zones and when naming and shaming leaders who are not in compliance with the treaties and ye ue treaty jo Geneva ke conventions hain ue buniyad hai na ya ye jo ue rules hain jinhan jang je kanoon ke tabdil kare chhe ag mein aalmi taur te ko mulk ke je aado indar je aado jando jin ke jeevan do ti jangam par jadan ka रियासत जनीवा कन्वेंशन के अडॉप्ट कर शुरू कर यूएन के थ्रू उन जंगन जहाँ कानून टाया उनमें खास तौर से वाउंडेड है जख्मी हैं सिविलियंस या औरतू हैं बार उनके प्रोटेक्शन मिलन शुरू थो हालांकि अज भी इनकी वायोलेशन थे थी अज भी तमाम बड़े पैमाने से रियासतूँ इन प्रोटोकॉल्स की कन्वेंशन की वायोलेशन कन असंख्य एग्जाम्पल इसराइल जो तरफा मिली सके तो इसराइल जहाँ अटैक्स हूँ फलस्तीनी मानून के मथा उनमें बार औरतन के हर तरह के मानून के टारगेट कर या हिंस जो यमन के खिलाफ जो जंग शुरू कई हुई सऊदी अरेबिया उनमें भी सभी हजारे तादाद हजारों की तादाद में बार औरतू मुतासर या जो सिविल वार हुई शाम की सीरिया की उनमें पिण जी बार औरतू हर तरह जहाँ खास तौर सिविलियंस हुए सब मुतासर सो अज भी यह वायोलेशन थे थी पर एटलीस्ट इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट मौजूद है कानून मौजूद है उन्हें अमल कराने की रियासत एटलीस्ट कोशिश कर सकते अगर मेरी कानून मौजूद न हुआ कहने का रियासत पा के जवाबदार समझदी भी पर अज केर वायोलेशन करे तो रियासत करे थी का गवर्नमेंट करे थी इंदर करे थो तो उन्हें के एटलीस्ट अस जवाबदार समझी उनके खिलाफ आवाज उठा पर अग में यो भी नो अच्छा उन चाहता द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी या समुद्र के हवाले से कानून है UNLOS इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ कन्वेंशंस that was signed by international community between 1973 and 1982
and addresses the responsibilities that each country has for its national waters. As of August 2013, 165 have signed and ratified UNCLOS. The most important part of this convention is to remember that international waters start 12 nautical miles, 22 kilometers out from a country's coastal line. The organizations that enforce UNCLOS are International Maritime Organization, the International Whaling Commission, and the International Seabed Authority. Definitely something you want to check out if you're talking with illegal or fishing and dumping. Hani, jike UN mein kam pasan hi kam bare to jike 12 jike nautical miles hain jo 22 kilometer jo faslo hai unhe ka po international waters shoot ati hai and unhe sa yo jo hai ta international jike boundaries hain riyastan ke sidhu karan mein aasani thi hai na har ko samudra mein pehle hak samjhdo hoyo पर इंटरनेशनल तय थे हद मुकर हद अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हद अंदर रियासत नेशनल बॉर्डर्स वाटर्स इंटरनेशनल यानी कें रियासत हिस्सो ना अच्छा उन ट्रीटीज प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ वेपन्स हथियार के हवाले से मौजूद है ट्रीटीज उनको जिक्र कौन में पैरों अचे तो न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी द ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कॉमनली नोन एज नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी भी चाहता है इस इंटरनेशनल ट्रीटी हूज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड weapon technology to promote cooperation and peaceful use of nuclear energy and to further the goal of achieving nuclear disarmament and general and complete disarmament between 1965 and 1968 the treaty was negotiated by 18 nation committee on disarmament The United Nations sponsored organization based in Geneva, Switzerland opened for signature in 1968. The treaty entered into force in 1970. And he jo the treaty aaye ya jo jo kanun aaye jo buniyadi maqsad aaye to aalmi taur pe jikib ye samjho the ki nuclear weapons aaye unhon je phailao ke rokje मुल्क मौजूदा न्यूक्लियर वेपन मुल्क रखा उन अलावा मुल्क ये खतरनाक हथियार न ठा सकें आलमी तौर से तबाही का बची सके पर इनमें बिटो मयार हले तो कुछ रियासत इजाजत मिलल हूँ कुछ चेक न होंगे उनके कंजे खिलाफ वही पाबंदी लगी वो मिसाल तौर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ या खिलाफ ईरान के खिलाफ तक पाबंदी लगन लगे नजर अचन थी वेस्टर्न ब्लॉक जो हिस्सों में हिमायत को पर इसराइल वट मशहूर है कि वेपन्स पर उनके खिलाफ केर पाबंदी नो हणे वो अमेरिका जो दादो है द केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन द केमिकल वॉरफेयर कन्वेंशन CWC ऑफिशियली द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोडक्शन stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction is an arms control treaty administered by the organization for the prohibition of chemical weapons yeah OPCW an intergovernmental organization based in the Hague the Netherlands the treaty entered into force on 29th April 1997 and prohibits the large scale use development production
stockpiling and transfer of chemical weapons and their procurers, except for very limited purposes, research, medical, pharmaceutical या protective शामिल है. तो केरब का रियासत देखिए chemical weapons नहीं ठाए सके यो मना थे लाए आलमी तौर पे यूएन के तरफा जेका केर ठाए तो उन खिलाफ पाबंदी लगी सकन थी एंड केर यूज करे को उन के मान के खिलाफ तो उहे उन के खिलाफ पाबंदी लगी सके. एंड लास्ट में थे आए द बायोलॉजिकल वॉरफेयर कन्वेंशन. इट इज डिसआर्मामेंट ट्रीटी दैट इफेक्टिवली बैंस बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स बाय प्रोहिबिटिंग देयर डेवलपमेंट. It was signed in 1972 and effective since 1975. अच्छा असा हाने चौथा जो ट्रेड के हवाले सा अहम शय है ना उहे पर उने खाग में असा चौथा द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और जो ट्रेड थे थी उने रेगुलेट करन के इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट करने के लिए पहले ठहर हुए इदारो या ऑर्गेनाइजेशन उन्हें चाहिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स या जीएटीटी. उन्हें बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठही है बिन्हीं के अचों था कम कड़ो हो. द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट एंड वॉज outcome of the failure of negotiating governments to create the international trade organization. It was signed by 23 nations in Geneva on 30th October 1947 and was applied on the provisional basis on January 1, 1948. It remained in effect until 1st January 1995 when the World Trade Organization was established after agreement by 123 nations in Marrakesh on 15th April 1994. As part of the Uruguay round agreements, the WTO is the successor to the GATT and the original GATT text is still in effect under the WTO framework. Subject to the modification of GATT 1994, nations that were not party in 1995 to GATT need to meet minimum conditions spelled out in the specific documents before they can accede. In September 2019, the list contained 36 nations. The GATT and its successor, the WTO, has succeeded in reducing tariffs, and the average tariffs level for the major GATT participants were 22% in 1947, but were 5% after the Uruguay round in 1999. हाँ इन्हें जो जो मकसद आए इन ऑर्गेनाइजेशन जो पहली जी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड उन्हें आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इनके तब्दील कर दो. इन जो मकसद है इंटरनेशनल ट्रेड के रेगुलेट कर दो उन्हें जो लाए एकड़ा सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाने चाहिए. आई इन जो फायदो भी कुछ हो तो जेके इंटरनेशनल लेवल पे जो वो टैरिफ जी का लेवल आ है जेका पहली 1947 में तमाम घणी हुई वो बाद में घटती करे 5% पे अची हुई है. उन्हें में फायदो इंपोर्ट करने वाले के एक्सपोर्ट करने वाले के बिनी जे थे जना टैरिफ डिले को घटो दिया छो तो जो टैरिफ आ है वो टैक्स डी की किस्म आए आने जो तो टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटी ये भाई टैक्स जा किस्म आए आई जदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे थी रियासतों में पैसा जरा शहर जी एवट कम थी तो टैरिफ लगे तो कस्टम ड्यूटी पे लगे पहले चौंका टैरिफ. इट इज डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री और ऑफ सुपरनेशनल यूनियन ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स.
besides being a source of revenue for the government, impact duties, import duties can also be a form of regulation of foreign trade and policy that taxes foreign products to encourage or safeguard domestic industry. Tariffs are among the most widely used instruments of protectionism along with import and export quotas. And in tariffs, which is the purpose of the tariffs, revenue generate tariff lage to certain percentage hua un hisab sa riyasaton jeko tariff lagaindo hai ai un sa income generate thi jeka import export thi thi unme ek khas percentage sa riyasat ke aamdani thi jo jo fayda ho hua ta jekar ka ekdi shay ta ji national economy mein thahi thi ka produce thi thi ai uha ta rokan tha chahe bahar na ache to ko bahari shay te ta जो टैक्स वधाए था चाहिए तो जी तहांजी इंटरनल इकोनॉमी सेफ थी सके इंटरनल नेशनल प्रोडक्ट्स हैं वे महफूज थी सकन इंपोर्टर है वो बाहर शुरा सके अच्छा उनका अचों था कस्टम ड्यूटी से इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स दैट गवर्नमेंट्स इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम ड्यूटी इज बेनिफिशियल फॉर मेनी रीजंस फॉर इंस्टेंस It ensures a country's economic stability, jobs, environment, among others. It regulates the movement of goods in and out of the country. It keeps a check on restricted items. अच्छा नहीं, ये आए regional cooperation organisations slide. हाँ नहीं, इतने जब पानीटेशन इकोनॉमी दिखा लाया आया सी या इंटरनेशनल लॉ ते गल है आया सी या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ते गल है आया सी तो इंटरनेशनल लेवल ते एंड ग्लोबल लेवल ते सारी विषय थिन व्यू वरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन साइन जे के रीजनल लेवल ते है एंड उनन जो ऑब्जेक्टिव ई हुई आए तो रियासतन जे बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन आ जो वाइड रीच थी सके रियासत उन में सा कोऑपरेट करे सकन एंड एक बे सा कोऑपरेशन जे बुनियाद ते उन जो जे इकोनॉमीज है वो स्ट्रांग थी सकन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेनिफिट हासिल कर फायद हासिल कर बेहतरीन एग्जाम्पल मिले तो वो मिले तो यूरोपियन यूनियन ईयू में चाहिए तो वे हाँ ईयू में मुल्क शामिल या उनमें शामिल ईयू जोन में ट्रेड जो रिस्ट्रिक्शंस ना टूरिज्म के रिस्ट्रिक्शंस ना मू आसानी से मुल्क में अची वही इकोनॉमिक एक्टिविटी करटिजनशिप एक बेजे हासिल कर ये मतलब पाबंदी ना उनको फायद यो थे इकोनॉमिक एक्टिविटी है रियासत के अंदर में उन रिस्ट्रिक्शंस न होने के तमाम तेज है तमाम फ्रीक्वेंट है जब नैदरलैंड को मू का एक्सपोर्ट कर चाहे तो जर्मनी में उनके लिए कोई मसलो ही ना मिसाल तौर से फ्लोरिकल्चर की गाल क्यों तो नैदरलैंड में मुख्तलिफ किस्म जो गुल या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं तमाम पैदा थे उन्होंने कंजप्शन तो उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करना को पे रीजन का बहर उ समूर जर्मनी में फ्रांस में या यूके में कंज्यूम थी उन्होंने इंतहाई आसानी है एक बे से ट्रेड करने की पाबंदी ना है या यो जो एग्जांपल है बे नंबर से अस अचूं था तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसिया इन बीच में काफ़ी सुठी कॉपरेशन है ट्रेड के हिसाब से या बिहार के सोशल इशूज है एड्रेस कर या टी है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है मुसलमान की जगह मतलब मुल्कन की ऑर्गेनाइजेशन ठहल है उनका अरब लीग है या आखिर में सार्क जो एग्जाम्पल है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन पर इन सभी में जो सभी का बेहतर कम मिलो वो यूरोपियन यूनियन में मिलो उन्होंने बीच में हालांकि एक बे के खिलाफ वो जंगू मिली जर्मनी फ्रांस एक बे सा आलमी जंग मिली चुका सिर्फ लास्ट सेंचुरी में उन खाग में केतरी उन्होंने जंग मिली
पर हिंसर जो तुम उन विच में रिलेशन्स तमाम बेहतरीन उन कन्फ्रंटेशन ना उ आसानी से कारोबार कर आसानी से उन शहरी एक बे शहर में एक मुल्क में मूव कर ट्रैवल कर समझी वरतो तो कॉपरेशन के जरिए गजी कर तरक्की कर एक बे से कॉपरेट कर अस यो अस नफरत फैलाई थी वे असा जो रीजनल इशूज आ या बायलैटरल इशूज आ उनके अस हल कर लायक ना काबिल ना इंडिया पाकिस्तान तुम एग्जाम्पल है तो इन जो हुकूमतू इन रियासतू आज एक बे से विढ़ एक बे खिलाफ आवाज उठाई तो रहन एक बे खिलाफ पॉलिसीज ठाई तो रहन कड़ा भी इशूज हो दुनिया में को भी अड़ो इशू ना जो हल नी सके मिसाल तौर कश्मीर इशू है या बया इशूज आज उ आसानी से हल थी सकता जर इन रियासत अगवान हैं या जिन सग है ताकत है पा में वेही कर मामले हल कर पर बदकिस्मती से अना इंडिया पाकिस्तान मसलन के हल न कर सकें उनके कर सार्क जो है सफाई मुर्दार ऑर्गनाइजेशन है ये लगे पे न तो जो इंडिया पाकिस्तान के विच में मसला हल थी वन बे सार्क जहाँ मेंबर्स हैं वो डिपेंडिंग इन था उनके विच में तो अड़ो इख्तिलाफ है को ये ब कंट्रीज हैं जो असि रीजन में साउथ एशिया में एक बे से कूँ था ठन उनके ठहण के नकर बया कंट्रीज भी मतलब गैर अहम लगा सो हाँ कंक्लूड क्यों था इनके कंक्लूजन तरफ वन था नेक्स्ट स्लाइड है पाबंदियों सेक्शंस सेक्शंस जो अक्सर अस बुध था तो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सेक्शंस लगी ईरान के खिलाफ सेक्शंस लगी द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक एक्शन टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर सेक्शंस मेयर्स अंडर आर्टिकल 41 इनकंपास अ ब्रॉड रेंज ऑफ एनफोर्समेंट ऑप्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स यानी कि असल जो मकसद हों वो यो हों तो कोई अड़ो तरीको कटे कि रियासत के मजबूर कजे वो इंटरनेशनल पीस के इंश्योर कर में रोल प्ले कर इंटरनेशनल पीस के वो मुल्क खराब न कर उन्हें मकसद के हासिल करने के लिए जंग भी न करनी पवे विदाउट एनी वार वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाबंदी उन्हें करे लगाई थी सिंस 1966 द सिक्योरिटी काउंसिल हैज एस्टैब्लिश्ड 30 सेक्शंस रिजीम्स इन साउदर्न रोडेशिया साउथ अफ्रीका द फॉर्मर यूगोस्लाविया हटाए यानी समूरा जो मुल्क उनके खिलाफ लास्ट में जी मिसाल तौर आईसिस जो मिसाल मिले तो अलकायदा तालिबान जो मिसाल मिले तो इन सभी मुल्क के खिलाफ जी पाबंदी लगी चुको इनके खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पाबंदी हणी चुकी है The Security Council sections have taken a number of different forms in pursuit of a variety of goals. The mayors have ranged from comprehensive economic and trade sections to more targeted measures such as arms embargo, travel bans, and financial or commodity restrictions. The Security Council has applied sections to support peaceful transitions. Deter non-constitutional changes, constrain terrorism, protect human rights, and promote non-proliferation. क्या नहीं जो बोले जो मकसद हुआ sections जो जो UN Security Council लगाई है नहीं आए, उनमें जो बुनियादी जो मकसद आए वो जंग के रोकन आई ये को इंसानी हकन के खिलाफ के कम चिंता उन खिलाफ वर्जी थे थी उन्हें रोकण के लिए ये सेक्शंस अग में लगी चुकी मुख्य कहते उन असल मकसद ये हों रियासतू जो न्यूक्लियर जो हथियार उनफ्रेशन बढ़ी सकन हथियार हटाए फैलाव के रोके सकजे जंग के रोके सकजे जी
इंसानी हक आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेके ख़िलाफ़ फर्ज़ियूं थियनि थियूं उनखे पिण रोके सघे उनखे कंटेन टोटलिटेरियन सिस्टम आहे ऐं उते जेको आहे डेमोक्रेटिक सिस्टम खे ख़तमु कयो वियो आहे त उते उन रियासत जे ख़िलाफ़ पिण जेको आहे पाबंदियूं लॻी सघनि थियूं ऐं लॻंदियूं बि रहियूं आहिनि पर घणो घणो इहो तॾहिं थींदो आहे जॾहिं अमेरिका मुख़ालिफ़ रियासत हुजे उनजे ख़िलाफ़ पाबंदियूं लॻंदियूं आहिनि मिसाल तौर नॉर्थ कोरिया जो तव्हांजो अहिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे सीरिया जो तव्हांजो अहिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे ईरान जो एग्ज़ाम्पल आहे या अॻु में जॾहिं लिबिया में गज़ाफ़ी हुई उनजो एग्ज़ाम्पल आहे या इराक में सदाम हुयो उनजो एग्ज़ाम्पल आहे उहे सभु मुल्क जेके या वेनेज़ुएला जो तव्हांजा एग्ज़ाम्पल आहे उहे मुल्क जेके अमेरिकन पॉलिटिकल हेजमनी खे एक्सेप्ट कोन था कनि या उन ख़िलाफ़ आवाज़ उथारनि था उन्हनि मुल्कनि जे ख़िलाफ़ अक्सर पाबंदियूं लॻंदियूं आहिनि अच्छा हाणे लास्ट में हिकिड़ो क्वेश्चन आहे त हाउ रीजनल कॉपरेशन कैन बी प्रोमोटेड एंड इंक्रीज्ड हाणे तव्हां ॾिठो त जेकी बि रियासतूं आहिनि मुख़्तलिफ़ रीजन्स में हिक ॿिए सां कॉपरेट करण जे लाइ उन्हनि ऑर्गनाइज़ेशन्स ठाहियूं आहिनि उन्हनि इदारा ठाहिया तव्हां छा था सम्झो जेका रीजनल कॉपरेशन आहे उनखे कीअं प्रोमोट करे सघो थो हाउ इट कैन बी प्रोमोटेड एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड सो तव्हां मां जेका को दोस्त फीडबैक ॾिए त पोइ असां हिनखे प्रेज़ेंटेशन खे हिते कंटिन्यू कयूं How regional cooperation can be promoted and increased. मिसाल तौर ते असांजो दोस्त हिकिड़ो आहे मोहम्मद असलम चयो आहे त यूरोपियन यूनियन जे मुल्कनि जो बॉर्डर्स अहिड़े नमूने मिलियल आहिनि जो हिकु रेस्टोरेंट ॿिनि मुल्कनि में आहे हिकु शॉप ॿिनि मुल्कनि में आहे हिननि मुल्कनि जा रस्ता बि हिकु ई रोड सां मिलनि था ईअं निज़ाम आहे जो यूरोपियन यूनियन जो ॼण को हिकु ई रोड हुजे बिल्कुलु सही बिल्कुलु दुरुस्त या असांजा जेके मुल्क आहिनि उहे हिकु ॿिए सां मिलियल आहिनि पर ॻाल्हि इहा आहे त माण्हुनि जा ख़्याल हिकु ॿिए सां कोन था मिलनि रियासतनि जूं पॉलिसीज़ हिकु ॿिए सां कोन मिलनि ऐं उते ईअं आहे त रियासतनि ऐं उते जे गवर्नमेंट्स इहो तय करे छॾियो आहे त उनखे कॉपरेट करणो आहे ऐं उहे कॉपरेट कंदा तॾहिं जेको आहे रीजनल जेको कॉपरेशन आहे उहो वधी सघे थो प्रोमोट थी सघे हाणे हिते हिकिड़ो तव्हांजे आदो लिखूं था जेको रीजनल कॉपरेशन खे असांखे वधाइणो आहे त सभिनि खां पहिरीं त इंटरेक्शन आहे जेको उहो वधाइणु घुरिजे इंटरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपुल माण्हुनि जे विच में जेको इंटरेक्शन आहे उहो वधणु घुरिजे माण्हुनि जे विच में जेको कॉपरेशन आहे उहा वधणु घुरिजे उहा वधंदी तॾहिं उनखे असां एक्चुलाइज़ करे सघूं था ॿियो रीजनल events and two political tolerance and ye te ahi shayun aahin jinhan je zariye regional level de cooperation
वधी सघे थी सभिनि खां पहिरीं त जेके मुख़्तलिफ़ रीजन जा माण्हू आहिनि उन्हनि जे विच में इंटरेक्शन शुरू थियणु शुरू थिए उहे वधे ॿियो रीजनल इवेंट्स थियनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे विच में रीजन्स जे विच में ऐं टियों पॉलिटिकल टॉलरेंस वधे इहे टे अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन्हनि जे थ्रू असां रीजनल लेवल ते जेको आहे कॉपरेशन खे प्रमोट करे सघूं था सो अॼोकी जेका कचहरी हिते पंहिंजी ख़तमु थी ऐं इनशाला वरी मंडे ते जेको आहे लेक्चर थींदो ऐं ॿी हिकिड़ी अनाउंसमेंट कंदो हलां अनाउंसमेंट कई बि आहे त कमिंग वीक में थर्सडे ते तव्हांजी सोशल स्टडीज़ जी टेस्ट रखियल आहे उनमें तव्हां ज़रूरु पार्टिसिपेट कजो सो मंडे ताईं जे लाइ अलाउ आहे।